स्वागत है आपका, मैं स्वाति। और आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों पर। पंजाब में राहुल गांधी की मेगा रैली में जीरा के विधायक कुलबीर सिंह सिद्धू की अगुवाई में गांव मंसूरवाल कला से उप चेयरमैन पंजाब जसपाल सिंह पन्नू, सरपंच गुरमेल सिंह नामधारी सर, करीब 150 कांग्रेसी वर्करों का जत्था लेकर मोगा रैली में शामिल हुए। पंजाब से हमारे संवाददाता जसपाल सिंह पन्नू की ये रिपोर्ट। कट्टी ना अज पिंड मंसूरवाल कलां तों जो राहुल गांधी जी साडे आउण वाले देश दे प्रधानमंत्री आ मोगा विखे आ रहे आ। पिंड मंसूरवाल कलां तों जहेदा कुलबीर सिंह जी साढ़े MLA साहब और जहेदार इंद्रजीत सिंह जीरा की अगवाई के हेठ सरदार गुरमेल सिंह जी सरपंच पिंड मंसूरवाल कलां तो एक भारी काफड़ा लैके मोगे जा रहे हैं। हुण असी बेनती करते हैं सरपंच गुरमेल सिंह नूं कि इस दे बाद 2 मिनट साढ़े नाल विचार सांझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मंसूरवाल तो साडे MLA कुलबीर सिंह जीरा उन्हां दी अगवाई दे विच जसपाल सिंह पन्नू चेयरमैन ते होर मेरे वीर नगर तो 70-80 बंदे लै के असी बस ते जा रहे हां। ये जो भी काफला जा रहा साडे नेताड़का आगू MLA कुलबीर सिंह जीरा दी अगवाई दे विच जा रहा। तो इन्ना कुछ कहिंदा खिमा जा चुका हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक फोटो करनी कट के सारे कमाले ना माया दा हनी दा बस एक मिनट कुशनगर के थाना जटहा बाजार में महामाया पॉलिटेक्निक विद्यालय खेतिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्थापक मोहन गुप्ता, कुमारी सोनम भारती, ताहिरा खातून रहे। कुशनगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार भारती की ये रिपोर्ट। सर आपका परिचय? मैं मोहनलाल गुप्ता जी, सामुदायिक विकास एवं कल्याण संस्थान में जो है सोशल वर्कर है हम लोग। और आज जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे गांव के जो हमारे जो अंतिम छोर की महिलाएं हैं उनके अंदर एक नव जागरण या उनके हक और अधिकार के लिए उनको जो है कि क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए इसको जागरूक करने के लिए इस महिला दिवस को हम लोग मना रहे हैं। सर अभी अभी जैसे आपने बताया कि अंतिम छोर, इसका तो मतलब अंतिम छोर का कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे कम्युनिटी में हमारे जो समाज में लोग हैं जैसे कि मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं या जो जिनका जो माइग्रेंट फैमिली है जैसे कि जो प्रवासी मजदूरी कर रहे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है या हमारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं तो ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे बेटियों को हम सोशल प्लेटफॉर्म पे चर्चा करके सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। जौनपुर के जलालपुर के थाना गद्दी एरिया में महिला संगठन दिवस के अवसर पर महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महिला डॉक्टर, वकील व शिक्षिकाएं एकत्रित हुई। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए जौनपुर जिले का जलालपुर परिक्षेत्र है, यहाँ पे माताएं बहनें गोष्ठी कोई कर रही हैं तो पता लगा कि महिला संगठन दिवस आज है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो लगता है कि यहाँ भी मनाया जा रहा है। बहन जी आपका परिचय? हमारा परिचय, हम थाने गद्दी से आई हूँ, मेरा नाम करमा है, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुई हूँ और यहाँ पे मैं पता लगा कि महिला गोष्ठी है तो यहाँ मैं आई हूँ। तो ये बताएं महिला संगठन दिवस आज किस रूप में आप इसको देख रही हैं विश्व की निगाह में? विश्व की निगाह में देख रही हैं कि यहाँ महिलाएं हमारी हम लोग इकट्ठा होंगे और हम लोग घर की साफ सफाई और सब कुछ स्वास्थ्य के विषय में और जो है ये हमारा जो है सृष्टि कैसे होगा महिला और पुरुष
रहे हैं प्रकृति में, तब तो सृष्टि चला है। महिला नहीं रहेंगी तो कार्यक्रम भी नहीं होगा, घर का भी पहले काम नहीं होगा, घर का चौका बर्तन पोछा पाची, बच्चों को देखना, पति को देखना, पति क्या कर रहा है, जा रहा है ड्यूटी जा रहा है या अपना बिजनेस में जा रहा है, दुकान करने जा रहा है, तो उसके लिए क्या हमें आवश्यकता है, पानी देना, चाय देना है, खाना देना है, उनका कपड़ा धुलना है, उनके विषय में सोचना है और बच्चों को भी विषय में सोचना है, उनको जो है समय से स्कूल भेजना है, उनका टिफिन बनाना है, बच्चों को जो है नहलाना है धुलाना है, उनका कपड़ा साफ सफाई रखना है और अपने विषय में सोचना है। सब कुछ कार्य करते हुए हमें भी कुछ करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। देखो कि महिला को लोग सबला कहते हैं, अरे अबला कहते हैं, तो इस समय गवर्नमेंट ने सबको जॉब भी दिया, आप भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, तो महिला अबला है कि सबला है? महिला अबला नहीं है, सबला है। महिला जो है अपने पैर पे खड़ा होती है। पहले तो महिलाएं घर में रहती थी, घुट कार के रहती थी, तोप के रखा जाता था महिला को। महिला को जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, डेहरी के बाहर नहीं निकलने देते थे। अब जो है महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, दोनों का हक बराबर बराबर है। और वो भी जो है महिलाएं हम लोग जो है भी अपने पैर पे खड़ा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगी, जो है बराबरी का जो है दर्जा है, बराबरी का सम्मान है, बराबरी से रहने के लिए पढ़े लिखे जागरूक होंगी और आगे का भविष्य देखेंगी। अब जो है महिला भी क्रिकेट खेल रही है, पायलट चला रही है, महिला प्रधानमंत्री बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, महिला जो है सेना में जो है बराबरी का भागीदार हो रही है, चला रही है बंदूक चला रही है, और सेना में जो है बराबरी का जो है वहाँ हिस्सा बटाती है, कितने भाई होंगे कितने बहने होंगे, भाई के साथ कदम में कदम मिला के चलती है और सब कुछ करेंगी महिला। महिला क्या नहीं करेंगी, महिला जो है पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है, ये आदि शक्ति है। महिला धन्यवाद। देखिए बहन जी इसमें भी लीडर हैं अभी, क्या नाम बता रहे बहन जी? मैं स्वास्थ्य विभाग की जो है कर्मचारी रिटायर हुई हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम कर्मा है। कर्मा बहन जी यहाँ की मीटिंग की लीडर बता रही थी, तो आप भी इसमें आई हुई है, मेरा संगठन दिवस मना रही है। आपका नाम? प्रियंका गुप्ता। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम गीता गुप्ता। अच्छा आप भी महिला संगठन दिवस में आज शामिल हैं? बिल्कुल शामिल हैं। अच्छा आपका नाम? सोनम गुप्ता। अच्छा भैया भी जितना बोली उससे आप सहमत हैं? इस समाज में जो है महिलाओं का बहुत ही मुख्य भूमिका है, क्योंकि ये समाज जो है बहुत पिछड़ा हो चुका है। हम खास करके हमारे भारत में टीचर हैं। हाँ बिल्कुल, हम टीचर हैं और हम खास करके लड़कियों को और लड़कों को ये बताते हैं कि जो हमारी समाज है ये बहुत पीछे हो चुकी है, केवल अपनी कुटीर सोच की वजह से। ये जो छोटी सोच है कि महिलाओं को नहीं पढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, आज देखा जाए तो महिलाएं अंतरिक्ष तक घूम रही हैं, इसलिए क्योंकि महिलाओं को थोड़ी बहुत इज्जत मिली है। अगर ये वहाँ तक आज देखा जाए तो ये हम बहुत पिछड़े हो चुके हैं। आज आंकड़ा लगाया जाए अगर जनसंख्या में, तो महिला और पुरुष में जो अनुपात है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि इन्हें वो स्थिति नहीं मिली, वो दर्जा नहीं मिला है। अब वही दर्जा मिलना शुरू हुआ है तो अब पीछे भी नहीं हट रही हैं, तो इसलिए महिलाओं को अब स्वयं में अपना योगदान बढ़ाना है और अपनी स्थिति बतानी है कि हम किस स्तर तक हैं। धन्यवाद। और आप बताइए जो है कि अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रश्मि गुप्ता है। अच्छा तो आपका आपका आप क्या करती हैं, क्या डिग्री है? जी हम अधिवक्ता हैं। बेड़ा 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 चल रहा है, ठीक है। अच्छा महिलाओं के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज महिला दिवस मनाया जा रहा है ना, बट ये जो कार्य है ये बहुत पहले से शुरू हो गया है। महिलाएं आदिकाल से जागरूक हैं और रहेंगी, और बिना महिलाओं के कुछ होने वाला ही नहीं है। जीरो से अगर शुरुआत होती है तो महिलाओं से सृष्टि का सृजन होता है। तो जो है कि बिना महिला के मनुष्य अधूरा है, क्योंकि पहले जब जन्मदात्री ही नहीं रहेगी तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा, तो कोई बात का कोई थीम ही नहीं होगा जीवन का। तो महिलाओं की विशेष भूमिका है जीवन में और इन्हें बहुत सम्मान और सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए अभी महिलाओं के आज गोष्ठी हो रही है महिला दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में, तो आज यहाँ भी इस गोष्ठी में सब शामिल हैं, तो मैं सभी बहनों का, सभी महिला संगठन में आई हुई महिला मोर्चा की सभी बहनों का, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, टीचर भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं,
समाज सेवी हैं, छात्रा भी कोई है, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से विनय गुप्ता केला कैमरा मैन के साथ नमस्कार धन्यवाद जय हिंद। देवरिया में भाजपा रानी माला देवी की आवास पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा मंडल की अध्यक्ष माला देवी की आवास पर पहुंची थी। हाँ, अध्यक्ष माला देवी, सरोज कुसुम पटेल, तेत्रा पटेल, सीता देवी, धर्मशीला सिंह आदि महिलाओं उपस्थित रहे। देवरिया से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। मनोज कुमार सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया। मैं इस समय भाजपा महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष माला देवी के आवास पर हूँ और ये इस समय महिला होकर भी अपने घर के मरम्मत और निर्माण के कार्य में तत्पर है। मैं इनका कुछ समय जो है समाज को संदेश देने के लिए मैंने इनको थोड़ा डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप क्या महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की भाजपा मंडल की अध्यक्ष हैं? जी। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि ये महिला दिवस जो है क्यों आज पूरा विश्व मना रहा है? आज महिला शक्तिकरण महिला दिवस है यार, इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग का मान और सम्मान आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं मानवता बढ़ाने के लिए महिलाओं को, और महिलाएं भी सोच रही हैं कि पुरुष से भी हम लोग कदम मिलाकर चले ताकि पुरुष से भी महिला पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े। और ये मान सम्मान हमको नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं ताकि महिला को जागृत करने के लिए उन्होंने जो उज्ज्वल गैस का जो उन्होंने निर्माण किया है ये बहुत सफलता है और महिलाओं का धुआं से कष्ट दूर हुआ है। और रही बात कि जो शौचालय का भी जो निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के किया है, हम लोग का लाज और मान मर्यादा देख कर ही उन्होंने आगे एक कदम शौचालय उठाए, इन्हें बहुत अच्छा कार्य किए हैं। धन्यवाद। यानी कि आप कहना ये चाहती हैं कि हम महिलाएं समाज में निकल कर पुरुषों से कदम मिलाकर अपने देश को मजबूत करें, कि जैसे हमारी माताएं बहनें जो आज दुश्मनों से फाइटर विमान यानी पायलट के पद पर कार्य रखते हुए दुश्मनों से भी मोर्चा लेने के लिए पीछे न रहें और पुरुषों से कदम मिला के चलें, जिससे हमारा देश और मजबूत हो और एक समाज में सद्भावना बने। धन्यवाद। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया, भाटपा राजी। सोनभद्र ओबरा में रहने वाली महिला हरिप्रिया शर्मा काफी संघर्ष कर इलाहाबाद से लाइस उर्वशी ब्यूटी पार्लर में कोर्स करके ओबराई और आज अपने दम पर सफलता हासिल की। सोनभद्र से हमारे संवाददाता दिनेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम हरिप्रिया शर्मा है। क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटीशियन का कोर्स की हूँ इलाहाबाद सिविल लाइन उर्वशी ब्यूटी पार्लर से। अच्छा, ये किस तरह से आप क्या बताना चाहेंगी आप कि कैसे मतलब आपने ये शुरुआत किया? ये हम बहुत संघर्ष के साथ जो है आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि आज मैं अपने पैर पे खड़ी हो चुकी हूँ। इस सहयोग में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। अच्छा, ये बताइए आप ओबरा में सोनभद्र की महिलाओं को कुछ निर्देश देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आज जैसे हम अपने पैर पे खड़े हो, हम चाहते हैं कि सभी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी सके, अपना खुद का बिजनेस अपना। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।